कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी में बहुत झोल झाल है और इस झोल झाल की शुरुआत होती है डेव की ज़िंदगी से। बेचारी की ज़िंदगी तो ऐसे कट रही है जैसे मानो कटाकट कटी जा रही है। तीन तो बच्चे हैं, इनमें से दो छोटे हैं। इनको संभालने में उसे अपनी नानी याद आ जाती है। बच्चे दोनों दिखते छोटे हैं पर हैं बड़े शरारती। डेव की वाइफ है जेमी, जेमी भी वर्किंग है। ऐसे में इन्होंने डेट डिसाइड किया है बारी बारी से इन बच्चों को देखभाल करने की। जब डेव की बारी आती है तब वो इन सब से कैसे डील करता है अब क्या बताएं। आज तो जब वो डायपर चेंज कर रहा है तब एक बच्चे ने उसके मुंह पर पॉटी कर दी। उसी के डायपर से डेव ने अपना चेहरा साफ किया। ये अक्सर उसके साथ होता रहता है। ये दोनों बच्चे क्या कम हैं कि उसकी एक बड़ी बेटी भी है और वो है कारा। कारा को उसके स्कूल लाना और घर पहुंचाना, ये जिम्मेदारी भी अक्सर डेव को मिलती है। इन सब के बाद कहीं जाकर डेव को ऑफिस जाने का सुनहरा अवसर मिलता है। यहाँ सबरीना काम करती है। सबरीना को देखकर डेव अक्सर आहें भरता है, पर भला शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। वो चाह कर भी सबरीना को पा नहीं सकता। डेव का ही बेस्ट फ्रेंड है मिच। मिच की कहानी यह है कि वो सिंगल है, यानी उसकी लाइफ डेव के बिल्कुल ऑपोजिट है। पर मिच सिंगल है, उसे इस बात की ज़्यादा खुशी नहीं है। उसे तो डेव की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी खूबसूरत वाइफ है। उसे लगता है कि डेव कितने मज़े लेता होगा। दोनों आज एक बार में मिले हैं, दोनों यहाँ ड्रिंक करते हैं। इसके बाद एक फाउंटेन के पास पहुँचे हैं। यहाँ एक लेडी की स्टैचू है। दोनों स्टैचू के ऊपर अश्लील कमेंट पास करते हैं और तो और इन्होंने यहाँ पेशाब भी करना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए बातें करते हैं। डेव अपनी मैरिड लाइफ की दास्तान बताता है। मिच कहता है कि काश मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ जैसी होती, जबकि डेव को मिच की लाइफ पसंद है। दोनों एक दूसरे की लाइफ की कामना करते हैं। ऐसा करते ही यहाँ लाइटें चली जाती हैं। ऐसा लगता है इनकी कामना पूर्ण होने वाली है। और वाकई में अगली सुबह सब कुछ बदल गया। इनकी बॉडी एक्सचेंज हो गई है। जो पहले डेव था अब वो नया मिच बन गया है, और जो पहले मिच था अब वो नया डेव बन गया है। ये अपने आप को मिरर में देखते हैं। पहले तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। पहले तो एक दूसरे पर गुस्सा उतारते हैं। फिर इन्हें याद आया है कि कल रात इन्होंने उस स्टैचू के सामने अनजाने में क्या विश मांग ली थी। दोनों बड़ी तेज़ी से उस स्टैचू के पास पहुँचे वापस अपनी बॉडीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। पर अफसोस, इस फाउंटेन को रिस्टोर किया जा रहा है, यानी इसे अब कहीं और ले जाया जाएगा। और जब तक इसे नई जगह रिस्टोर नहीं किया जा सकता, इन दोनों को वेट करते रहना होगा। अब दोनों ने तब तक के लिए एक दूसरे की लाइफ जीने का फैसला किया है, और इनके पास चारा भी क्या है। नया मिच डेव को अपने ऑफिस में कैसे प्रोफेशनल बिहेव करना है ये सब सिखाता है। नया डेव जो मिच था, डेव के ऑफिस जाता है। नया डेव यहाँ सबरीना से दोस्ती बढ़ानी शुरू करता है। पहली नज़र में देखते उसे सबरीना पसंद आ गई। सबरीना है ही इतनी हॉट, पर प्रॉब्लम यह है कि सबरीना की नज़रों में नया डेव शादीशुदा है। मीटिंग में भी नया डेव काफ़ी गड़बड़ियाँ करता है। इसकी वजह से इस कंपनी की जापनीज फर्म जिससे ये मर्जन होने वाला था वो होते होते रह गया। नया मिच जो पहले डेव था वो मिच के फिल्म शूट पर पहुंचा है। यहाँ उसे पता चला कि उसका बेस्ट फ्रेंड वास्तव में क्या काम करता है। ये तो किसी एडल्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक लेडी नग्न अवस्था में लेटी है। नए मिच को उसके साथ संभोग करने का शॉट देना है। वह यहाँ काफ़ी हेजिटेट करता है। डायरेक्टर उसे बार बार डांटता है। इसके साथ ही उसे एक मर्द को यहाँ किस भी करना है। ये सब करने में नया मिच काफ़ी अनकम्फर्टेबल है। उसे याद आया कि इससे अच्छी तो उसकी पहले वाली लाइफ थी, एक बीवी थी, तीन बच्चे थे, वो उन्हीं में बिजी रहता था। सबरीना को देखकर ठंडी आहें भर लेता था। अब ये सब उसे छूट गया है और वो किस प्रोफेशन में आ गया है, ये सारे सवाल वो अपने आप से कर रहा है। वो नए डेव को लेकर जेमी के पास पहुंचा है। यहाँ वो सब कुछ बताना चाहता है। जेमी कहती है, तुम दोनों अच्छा मजाक कर लेते हो। वो नए मिच से पूछती है कि अगर तुम मेरे पति हो तो बताओ हमारी शादी की सालगिरह कब आती है। नया मिच गलत जवाब देता है। जेमी पूछती है, अच्छा तो बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है। पतियों को अपनी बीवी के बारे में कब खबर होती है। नया मिच हर सवाल का गलत जवाब देता है। अब जेमी को पूरा यकीन है कि दोनों उसके साथ मजाक कर रहे हैं, यानी इन्हें वही लाइफ जीनी पड़ेगी जिसमें दोनों फंस गए हैं। नया डेव बच्चों को संभालने के लिए उन्हें बैग की तरह उठाकर किचन में रखता है, पर ये बच्चे इतने शरारती हैं कि नए डेव की हेकड़ी निकल जाती है। नए डेव को हमेशा से जेमी पसंद थी, अब तो वो उसकी वाइफ है। पर जब उसने उसे करीब से देखा है, जिस तरह से वो कमोड पर बैठती है,
जिस तरह की आवाज़ें निकलती है उसका सारा क्रश क्रैश हो गया। रात को जेमी नए डेव से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। नया डेव बहाना बनाकर सो जाता है। अब उसे जेमी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती। सबरीना के साथ नया मिच डेट पर जाता है। जब वो डेव था तब उसे वो वैसे भी पसंद थी, अब उसे ये सुनहरा मौका मिला है। नया मिच के फादर से मिलकर मिच के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल करता है। उसके फादर कहते हैं कि वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। धीरे धीरे वो मिच की लाइफ में ढलने लगा है। उसे अब सबरीना जो मिल गई है। इधर नया डेव कारा से परेशान है। स्कूल में जब वो बैले परफॉर्म करती है तब उसकी क्लासमेट कारा को हिट कर देती है। नया डेव कारा को सलाह देता है कि उसे उस लड़की को वैसे ही जवाब देना चाहिए जैसे उसे हिट करती है। अगली बार कारा ऐसा ही करती है, यानी परफॉर्मेंस के दौरान वो अपनी पार्टनर को हिट कर देती है। इस तरह कारा अब अपने डैड को और भी पसंद करने लगी है। इधर नया मिच ऑफिस से फुल डे ऑफ लेता है। वो सिंगल होने के फायदे को एंजॉय करना चाहता है। वो सबरीना के साथ डेट पर जाने वाला है। नया डे उसे मिच की तरह कैसे रिएक्ट करना है, डेट पर कैसे रहना है, क्या पहनना है, ये सब सिखाता है। यहाँ तक कि वो नए मिच के प्राइवेट पार्ट के बालों को भी साफ करता है। सबरीना और नए मिच की डेट शुरू हुई है। सबरीना तो इसे वाकई में मिच ही समझ रही है। यहाँ वो कहती है कि उसे डेव पर क्रश था पर वो शादीशुदा है। ये जानकर नया मिच दिल्ली दिल में खुश होता है। इसके बाद दोनों टैटू बनवाते हैं। नया मिच सबरीना को घर छोड़ता है। सबरीना उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो फिर से मुझे फ़ोन कर सकते हो। यानी इनकी डेट सक्सेसफुल रही है। कुछ समय में जेमी और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। जेमी को अब लगने लगा है कि उसका हस्बैंड अब उसे प्यार नहीं करता। उसे लग रहा है कि उसका ज़रूर अफेयर है। ये बात वो नए मिच से, जो कि वाकई में उसका हस्बैंड है, उससे कहती है। नया मिच कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल डेव थोड़ा स्ट्रेस में है। इधर नए डेव ने अपनी कंपनी के मर्जर को सक्सेसफुल करा दिया है। इस खुशी में पार्टी रखी गई है। इधर नया मिच सबरीना के साथ एक सुनसान जगह पर जाता है। सबरीना कहती है कि आज तक वो वर्जिन है, वो आज नए मिच के साथ हम बिस्तर होना चाहती है। नया मिच भी उसकी एक ख्वाहिश पूरी करता है, पर थोड़ी देर के बाद ही वो रुक जाता है। उसे रियलाइज हुआ है कि वो अपनी वाइफ से ही प्यार करता है। वो सबरीना को इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। वो पहुंचा उस पार्टी में जहाँ जेमी है और नया डेव है। यहाँ नया मिच आकर जेमी को इस तरह से किस करता है कि जेमी को रियलाइज हो गया है कि वास्तव में वो मिच नहीं बल्कि उसका पति डेव है। जेमी इस बात को समझ जाती है। इसके बाद दोनों अपने आप को जाहिर करते हैं। इसके बाद मिच और डेव जल्दी से उस मॉल के अंदर पहुँचे हैं जहाँ वो स्टैचू रखी है। इतनी भीड़ में इन्हें फिर से उस स्टैचू के सामने पेशाब करते हुए वही विश फिर से मांगनी है जो उन्होंने उस रात को मांगी थी। दोनों बड़ी बेशर्मी से यहाँ पेशाब करते हैं, उसी विश को मांगते हैं। यहाँ के बच्चे लोग सभी इनकी बेशर्मी को देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इन्हें पकड़ने आते हैं, तभी यहाँ लाइटें चली जाती हैं। अगली सुबह ये पाते हैं कि ये वापस अपनी बॉडीज में आ चुके हैं। इस बात की खुशी डेव अपनी वाइफ से बताता है। इधर मिस से मिलने सबरीना आई है। सबरीना कहती है कल रात को उसने उसके साथ काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। मिच उसे फिर से डेट के लिए पूछता है। मिच अपने बाप की शादी में पहुंचा है। इस शादी को अटेंड करने के बाद वो डेव और जेमी की मैरिज एनिवर्सरी में पहुंचता है। यहाँ वो कहता है कि डेव कितना महान है, ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली को मैनेज कर लेता है। इसके बाद मिच और सबरीना फिर से मिलते हैं। दोनों यहाँ हमबिस्तर होते हैं। इस तरह सबरीना अपनी वर्जिनिटी को तोड़ती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।